हेलो एवरी वन तो आप सबका एम एस ओ वन का मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट का एग्जाम फिनिश हो चुका होगा एंड आई होप अच्छा हुआ होगा आप लोगों का एग्ज़ाम क्योंकि एथनीसिटी के दो क्वेश्चन थे हमारे पास सेक्शन सेकंड में सोरेनिटी uh, का क्वेश्चन था जिस पर हमने डिटेल में डिस्कशन की है स्ट्रक्चरलिज्म वाले कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन था क्वेश्चन था तो अब अच्छा अगर इनकेस नहीं भी हुआ है किसी स्टूडेंट का अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाया कुछ भी हुआ है तो पेपर को लेके अब पुराने पेपर की बात भूल जाइए टाइम बहुत कम है एक ही दिन का गैप है आपके पास देन आपका ट्वेंटी सिक्स को एम एस ओ टू का एग्जाम है और आपको पता है एमएस ओ टू बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्टी आ रही है सब्जेक्ट में थोड़ा टेक्निकल लग रही हैं चीज़ें तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एम एस ओ टू की तैयारी हम लोगों को स्टार्ट करनी है कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं जून ट्वेंटी नाइनटीन के पेपर के कुछ आंसर्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे वीडियो अवेलेबल है पी डी एफ चैनल पर है तब तक आप उसे लर्न कीजिए ठीक है बाकी वीडियोज मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो अब मैं दूंगी एम टू की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई विल आइडेंटिफाई दैट टॉपिक और उन टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे विद वीडियोज़ आज के पेपर को देखे एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि सब कुछ एग्जाम में बना नहीं पाओगे इतनी इंटरलिंकिंग नहीं कर पाओगे और कर पाओगे तो सेटिस्फाई नहीं होगे जैसा आज के पेपर में आप लोगों को लग रहा है कि लिख के तो आए हैं कुछ बट पता नहीं सही है या नहीं है तो कुछ चीजें प्लीज़ याद करके जाओ ठीक है पीडीएफ आप लोगों को मिल रही है आप एज इट इज पीडीएफ को टाइम निकाल के दो तीन बार रीड करोगे तो कुछ चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ों के मीनिंग लाइक सोवरेनिटी का मीनिंग था आज के पेपर में एथनिसिटी के मीनिंग थे एथनिसिटी की अप्रोचेस थी जितनी भी आपको बढ़ाई गई है प्राइम मॉडल और इंस्टीट्यूशनल वाली ये सब अगर आपने पढ़ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच जो थी ये अगर आपने पढ़ी होती और आपने याद कर ली होते नाम तो वहां बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता एग्जाम में चीज़ों को लेकर तो ये चीज़ अब कोई बात नहीं इस पेपर में अगर गलती हो भी गई है तो हम एमएसओ टू में ऐसा नहीं करेंगे और हम चीज़ें साथ साथ लर्न करके चलेंगे तो स्टार्ट करते हैं बाकी आपको किसी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है एमएसओ टू में तो इस वीडियो पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं मैं पर्टिकुलरली जो मैक्सिमम टॉपिक होंगे जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाएंगे ओके सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम